नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वो अच्छा दोस्त कहा है, वो बोले पहले भी दोस्त है, अभी भी दोस्त है। हमारी जो लड़ाई है वो पॉलिटिकली लड़ाई है, और दो शेर जब लड़ते हैं मैदान में तो एक को तो हारना है। देखिए, डेमोक्रेसी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो डेमोक्रेसी का संविधान रखा, ये बड़ा खूबसूरत प्रक्रिया है। ये चुनाव है, सबको अपनी किस्मत आजमाने का एक मौका मिलता है। रमेश सिंह मेरा कल भी दोस्त है, आज भी दोस्त है, और आगे भी दोस्त रहेंगे। चुनाव लड़ने आए हैं, चुनाव में जो मतदाता जिसको भी प्यार देगा वो बैठेगा। अगर मैं जीता तो वो मेरे साथ रहेंगे, वो जीते तो उनको शुभकामनाएं दूंगा। यानी दोस्ती इसमें थोड़ी ख़राब होगी, और मैं कभी भी किसी के पारिवारिक या पर्सनल पे अटैक करने में बिलीव नहीं करता हूँ। अगर इस तरीके का कोई वीडियो करता है तो डेफिनेटली उसमें मेरा कोई हाथ नहीं रहता है। ये चुनाव जीतना है मुझे मुद्दे पे, चुनाव जीतना है मुझे मेरे कामों पे, चुनाव जीतना है मेरे इस मलाड़ के विजन के लिए। आज मलाड़ को हमने देश के अंदर सबसे अलग, सबसे खूबसूरत बनाने का प्रयास किया हुआ है। स्लम के अंदर आप सिंगापुर बनाने का सोचोगे, उसको वक्त लगता है। वो तो 6 साल इनको भी हो गया, आज तक का दो लोगों को घर नहीं दे पाए, दो लोगों को नौकरियाँ नहीं दे पाए, सिर्फ जुमलेबाजी पे चल रहे हैं। अब ये देखना है क्या होगा आगे। तो मुख्यमंत्री को राजीनामा देना चाहिए, मुख्यमंत्री नाकाबिल है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो गृह विभाग है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो मुख्यमंत्री के पास है। और उसी मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मोर्चा निकालना पड़ता है तो सबसे ज़्यादा शर्म की बात है। इसका मतलब पूरे महाराष्ट्र में जो ड्रग्स का ये बड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के राज में बड़ा है। और आप मेरे हर अधिवेशन का वीडियो उठा के देख लो, आप मेरे हर DPDC का मीटिंग का वीडियो निकाल के देख लो, हर जगह मैंने जो है ड्रग्स के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की बात की, और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करने का काम भी कर रहा हूँ। और चुनाव आया, चुनाव आने के ठीक एक महीना पहले आप स्कूल के कुछ बच्चों को पैसे देते हो स्कूल में सामान दिलाने के नाम पे, और फिर उनको कहते हैं कि ड्रग्स के खिलाफ मोर्चा निकालो। तो ये असलम शेख के खिलाफ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने खुद की सरकार के खिलाफ, अपने खुद के मुख्यमंत्री के खिलाफ वो मोर्चा निकाला है। अगर वो सक्षम नहीं है तो राजीनामा देना चाहिए, उनसे राजीनामा मांगना चाहिए अपने मुख्यमंत्री से। एक वीडियो आपके कार्यकर्ताओं का है जिसमें कहा जा रहा है कि मालोनी में रहना है तो भाई असलम भाई कहना है, क्या देखना? पिछले 20 साल से मैं राजनीति में हूँ, पिछले 20 साल से हर समाज के लिए कोई लेके चल रहा हूँ। आज चुनाव दाखिल होते ही इस तरीके का वीडियो, पूरे देश में लोग इस तरीके की गलत वीडियो को जो है वायरल करते हैं, मॉब करते हैं और भेजते हैं। चुनाव जो है मुद्दों पे जीता जाता है, चुनाव जो है विजन पे जीता जाता है, चुनाव जो है आप क्या करोगे मलाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उस पे जीता जाता है, या आप क्या करे हो आज तक मलाड़ के लिए। आप जब बाहर से आओगे तो इसी तरीके से षड्यंत्र रचोगे, कम्युनलाइज करने की कोशिश करोगे, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करोगे। कोई भी समाज का आदमी, कोई भी धर्म का आदमी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। और असलम शेख का तो ये इतिहास है कि जितने गणपति दर्शन मैं करता हूँ, जितने मंदिरों के लिए काम मैंने किया, जितने गुरुद्वारों के लिए, जितने चर्च के लिए, जितने यहाँ पे हिंदू सिमेट्रीज उसका काम जितना मैं किया हूँ, यहाँ के एक एक हिंदुओं के दिलों में, एक एक सिखों, मुसलमानों के और हमारे जितने भाइयों हैं सबके दिलों में असलम शेख राज करता है। आज 20 साल के बाद आप इस तरीके का कोई वायरल करोगे तो आप दुनिया को तो बेवकूफ़ बना सकते हो, कि मलाड़ की कोई जनता आपसे बेवकूफ़ नहीं होगी। और पुलिस को हमने खुद कहा है कि जाके इस इंसिडेंट का आप उसके ऊपर जो है तहकीकात करिए, अगर इस तरह की हरकत हुई है तो ताबड़तोब जो है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और अगर नहीं हुई है तो जो इस वीडियो को घुमा रहा है, जो यहाँ पे जातिवाद करने का काम कर रहा है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि 20 साल में आज तक का मलाड़ के अंदर हमने कोई जातिवाद होने नहीं दिया, और आगे भी जो लोग ये सोच के आए हैं कि इस तरीके से हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, जातिवाद करेंगे, तो याद रखें कि जब इस तरह की हरकत होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और उनको जहाँ से आए वहाँ भेजने का भी।